वेलकम टू प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। हम इस सीरीज़ में देख रहे थे एसएससी सीजीएल 2020 में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे प्री में 21 शिफ्ट में, उन सभी के मैथ सॉल्यूशन। आज हम देखेंगे 13 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उनको। इससे पहले 13 अगस्त शिफ्ट वन की जो वीडियो है वो आ चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ चैनल पर जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी गिवन है, और जितनी भी वीडियोज़ आ रही है इस चैनल पर उन सभी की सोल्ड पीडीएफ माई टेलीग्राम चैनल पर है, तो आप उन सभी की पीडीएफ को वहाँ से देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने भी हमारी पहली वीडियो देखी है तो उन्होंने जहाँ भी अप्रिशिएट किया है, यूट्यूब पे कमेंट करके, टेलीग्राम पे कमेंट करके या पर्सनल मैसेज करके, उन सभी के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, और इस वीडियो को मैंने कोशिश करके छोटा से छोटा रखा गया ताकि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर हो। तो देखते हैं आज क्या क्वेश्चंस है इस शिफ्ट में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिंप्लीफिकेशन का। हम सभी को पता है इस सवाल में हमें बोर्ड मॉस यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन आपको क्या पता है, आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है, अगर बोर्ड मॉस में ए और एस लास्ट में आता है, इसका मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारा लास्ट में आता है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को हमसे सबसे लास्ट में करना चाहिए। तो मैंने मार्क लगा लिया कहाँ कहाँ हमारे प्लस और माइनस है, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ बची मैं उसको सॉल्व करता हूँ। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का जो वो होता है, प्रायोरिटी होती है, वो दोनों की सेम होती है। और ओ का मतलब क्या होता है, ऑर्डर या फिर ऑफ। ऑर्डर का मतलब है लेफ्ट राइट, जो ऑर्डर में इक्वेशन लिखी है इसी इक्वेशन में हमें इक्वेशन सोल्व करनी है। और ऑफ का मतलब आप कह सकते हो कि एक मल्टीप्लिकेशन की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम सोल्व करना शुरू करते हैं। तो मैंने बोला कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम सबसे लास्ट में करते हैं, बाकी चीज़ जो बची ना, आपने देखा यहाँ से यहाँ तक पार्ट बचा है, यहाँ से यहाँ तक पार्ट बचा है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट बचा है, तो इनको सोल्व करना शुरू करते हैं। तो मैंने देखा डिवीज़न पहले आया हुआ है, लेकिन आपने देखा इस इतनी इक्वेशन में डिवीज़न है, ऑफ है और मल्टीप्लाई है। तो ऑफ आपको पता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, यहाँ लिख देता हूँ BODMAS, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ऑर्डर एंड ऑफ ये दोनों चीज़ पहले आएगी। तो मैं क्या लिखूँगा, 13 डिवाइडेड बाई 18 54 मल्टीप्लाई बाई 6, उसके बाद माइनस को नहीं छेड़ूंगा, इस माइनस को ऐसे कैसे उतार दो। उसके बाद क्या लिखा है, इस इक्वेशन में आपने देखा कि डिवाइड और मल्टीप्लाई है। मैंने बोला डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों की जो प्रायोरिटी होती है सेम होती है, लेकिन अगर लेफ्ट में जो चीज़ पहले आ गई उस चीज़ को यूज़ कर लो। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 22 मल्टीप्लाई बाई 6, डिवाइड को मैं बाद में लिख देता हूँ बाई 18, ठीक है। माइनस को मैंने ऐसे कैसे उतार लिया, 3 इस इक्वेशन में 3/2 प्लस 10, माइनस को ऐसे कैसे। उसके बाद इस इक्वेशन में मैंने, अब देखो डिवाइड पहले आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पहले हमने ऑफ यूज़ कर लेना है, तो 9 3 27, तो डिवाइड पहले यूज़ कर लेता अगर पहले आता, 3/7 मल्टीप्लाई 9 आ गया, तो मल्टीप्लाई 9 कर दिया। आपको पता है यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3/54 मल्टीप्लाई बाई 6, माइनस यहाँ करूँगा 6 3 18, तो 22/3 माइनस 3/2 प्लस 10, यहाँ से 3 9 27 3 और नीचे 27, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1। यहाँ से कितना आया, 6 9 54 और 3 3 9, यहाँ आया 1/3 माइनस 22/3 माइनस 3/2 प्लस 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, आप बोलोगे 9। यहाँ से क्या आया आपका, 22 में से जब एक माइनस होगा तो -21/3 देगा, -3/2 प्लस 9, यहाँ से क्या आएगा, 3 7 21 माइनस 7 और प्लस 9 और प्लस -3/2 -3/2, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 2 2 -3/2 क्या होता है, 3/2 आप वैसे भी सोच सकते हो 1/1.5 होता है, तो 2 में से 1.5 जाएगा तो 1.5 बचेगा, मतलब कि 1/2 बचेगा, वरना 2 2 जा 4 -3 1/2 4 -3 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने देखा कि 2 cos² θ इज इक्वल टू 3 sin² θ है, और इसका रेंज दे रखे थीटा की 0 से 90 डिग्री। मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को जल्दी सोचना कि मैं क्या पुट करूँ। तो मैंने यहाँ देखा कि इसने स्क्वायर लगाया हुआ है, तो मैं ऐसे सोचता हूँ इसने स्क्वायर क्यों लगाया हुआ है एग्जामिनर ने, तो जरूर कोई ना कोई ऐसी वैल्यू रही होगी रूट की जो ये हटाना चाहता हो। तो मैंने देखा स्क्वेयर से कैंसिल आउट करना चाहता हूँ, तो रूट किस किस पे देता है कोस थीटा, आप बोलोगे कोस 30 पे देता है, कोस 30 पे क्या होता है, √3/2 होता है, उसके बाद को 45 पे क्या होता है, 1/√2। काफ़ी टाइम से टीसीएस ने 45 पे क्वेश्चन कम ही पूछ रहा है, तो मैं चेक कर लेता हूँ 30 पे इस क्वेश्चन को। तो 2 × cos³θ का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 इज दैट इज 3, और sin³θ कितना होता है 1/2, यहाँ से 1/2 आ जाएगा,
टू से कैंसिल करोगे तो 3/2 इज इक्वल टू 3/2 एल एच एस आर जे एस के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये थीटा पे सेटिस्फाई, 30 पे सेटिस्फाई कर देगी इक्वेशन। ठीक है, इसको मैं इस में पुट कर लूँगा। आपने देखा सेक्स स्क्वेयर माइनस टेन स्क्वेयर, ये तो होता ही 1 है, 1 प्लस कोस स्क्वेयर 30, कोस स्क्वेयर 30 अभी लिखा हमने कितना होता है रूट 3/4, रूट 3/2 का स्क्वेयर तो 3/4, आपका 4 और 3 7/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ इसका शॉर्टकट मेथड। आपको थीटा सोचना, अगर आपको एग्जाम में इसका बेसिक यूज़ करना पड़ जाए, मान लो आपको कोई भी वैल्यू ऐसे हिट नहीं हो पा रही, तो आप बेसिक ऐसे करोगे। आपने देखा कि यहाँ साइन है, यहाँ कोस स्क्वेयर है, आपको ये तो पता ही है, 1 लिखा है, 1 प्लस कोस स्क्वेयर थीटा है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको कोस स्क्वेयर थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, एस एस लिख देता हूँ मैं साइन स्क्वेयर थीटा को। आपको एग्जाम में भी साइन स्क्वेयर को कोस को एस और सी रख के यूज़ करना है, ताकि आपका टाइम ज़्यादा बच सके। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 3s, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये कितनी बचेगी, 2 प्लस 3s माइनस 2। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है जी, एस मतलब साइन थीटा है हमारा। ठीक है, इसमें कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे वो सीख लो। ठीक है, मैंने देखा 2 2 जा 4 और उसके बाद 3, कोई ऐसी दो वैल्यूज चाहिए मेरे को जो मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस का 4 दे, मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस का 4 दे, और प्लस माइनस करने पे 3 दे पॉजिटिव। तो मैंने देखा था कि आपके पास वैल्यू आ रही है 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 क्या आ गया, -4, और 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपके पास, +3। तो मेरे पास वैल्यू आई एस की 4 एंड -1। आपको लेकिन साथ में क्या करना है, जो स्क्वेयर के साथ जो वैल्यू है उसको भी डिनोमिनेटर में रखना है। तो 4/2 और -1/2, ये मेरी दो वैल्यूज आ गई। लेकिन जब आपको आंसर लिखना है एस के इक्वल टू जो फाइनल वैल्यू आएगी, उसमें आपको इनका साइन चेंज कर देना है, जो माइनस है उसको पॉजिटिव बना दो, और जो नेगेटिव है उसको, जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव बना दो, और जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बना दो। तो ये कितना आ जाएगा, -2, और ये कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये नॉट पॉसिबल, साइन थीटा 1/2 कितने पे होता है, आप बोलोगे साइन थीटा की वैल्यू फाइनल आ गई 1/2, तो थीटा कितना हुआ, 30 डिग्री। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, 30 डिग्री को ऊपर पुट कर लो, 1 प्लस √2 और √3/2 का होल स्क्वेयर, ये आपका आंसर 7/4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसका बेसिक यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रायंगल दिया है इसमें ए ए बी सी, इसने बोला ए बी बाई ए सी ये क्या है, 5 है, ये 2 है। ठीक है, उसने बोला बी सी 9 है। ठीक है, बी को इसने प्रोड्यूस कर दिया डी तक, यहाँ डी है, और उसके बाद इसने बी सी को प्रोड्यूस कर दिया ई तक, मैंने मान लिया बी सी को प्रोड्यूस कर दिया ई तक। उसके बाद इसने सी ए डी, सी ए डी इसका एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। ओके, इसने एंगल बाइसेक्टर खींच के यहाँ मिला दिया। ठीक है, तो आपको पता है पढ़ते ही एक्सटीरियर बाइसेक्टर थ्योरम की, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगी। तो आपको पता है हमारे पास सिर्फ 3 ही पॉइंट थे, कौन कौन से पॉइंट थे, ए बी और सी, एक्स्ट्रा पॉइंट हमारे पास क्या आया, ई। तो हमने देखा जिस रेशो में ये है ए बी बाय ए सी, तो एक्स्ट्रा पॉइंट आने की वजह से, ई आने की वजह से क्या बना, एक तो बी बड़ा और एक सी बड़ा। तो यही लिख दूंगा बी ई बाय सी, एक ये प्रॉपर थ्योरम है। उसका प्रूफ तो मैं यहाँ नहीं करा सकता, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हर चीज़ का मैं प्रूफ कराने लग गया। ठीक है, तो आपने देखा ए बी बाय ए सी। ठीक है, तो ए बी बाय ए सी कितना है, 5:2, और बी ई पूरा कंप्लीट क्या हमारा, 9 प्लस सी, 9 प्लस सी ई डिवाइड बाय सी, हमें सी की वैल्यू बतानी है। तो 5c, अगर ये 5c में से ये 2c माइनस होगा, तो आपके पास बोलोगे 3c बचेगा, और 9 2 जा 18, अगर इसको 2 से कैंसिल आउट करोगे तो आप बोलोगे 3 से कैंसिल आउट करोगे तो 3 6 जा 18, सी आपका कितना हो जाएगा, 6, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सुरभि ने एक आर्टिकल को सोल्ड किया 176। आपको 176 देखते ही क्या चीज़ समझ आनी चाहिए, देखो इन दोनों का जोड़ बीच में लिखा हुआ है 6 और 1 7, ये कब होता है, जब 11 से कोई चीज कट रही हो, तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 11 का यूज होगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुरभि ने एक आर्टिकल को सोल्ड किया 176 रुपीज में, और 12% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, एमपी पे अगर कोई चीज मार्केट प्राइस, ये आर्टिकल था उसका एमपी, ठीक है, इसके 12% डिस्काउंट दिया, उस पर डिस्काउंट दिया उसने -12%। ठीक है, वो 176 रुपीज़ की वैल्यू होगी। अगर मैं 12% का डिस्काउंट दूंगा तो ये कितनी परसेंट की वैल्यू बोलोगे, आप बोलोगे 88% की वैल्यू बच गई। ठीक है, वो कहती है अगर मैं कोई डिस्काउंट नहीं देती, नहीं मिलता अगर उसे कोई डिस्काउंट, तो उसने प्रॉफिट कमाती 25% का। ठीक है, तो इसका मतलब वो अपनी एमपी पे बेचती, तो एमपी क्या हुआ हमारा, 100% वैल्यू, ये उसकी एमपी। अब क्या हुआ, कोई डिस्काउंट नहीं, तो इसका मतलब वो अपने 100% पे जाएगी वो चीज़। ठीक है, तो इस लास्ट में इसने पूछा कि सीपी क्या है, अगर मान लो कोई चीज़ एमपी है, एमपी पे अगर मैं कोई भी डिस्काउंट नहीं देता तो वो चीज़ एमपी पे, अब ये हमारा एमपी है,
88% की वैल्यू क्या थी, इतना हमारा एसपी था। अगर मैं 100% की निकाल दूं, ये क्या हमारा क्या हुआ, आपका एमपी आ गया ये पूरा। एक चीज बताओ, जब ये एसपी है आपका 176/88, ये कैसे आ सकता है, ये ऐसे भी तो आ सकता है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज हमारा 25% है, अगर मान लो सीपी आपका 100% है, तो एसपी क्या होगा, आप बोलोगे एसपी हमारा 125% है, तो ये वैल्यू ये भी तो हो सकती है। तो यही वैल्यू आपकी 125% के बराबर है, ठीक है। और आपको फाइनली लास्ट में जो वैल्यू बतानी है, आपको बतानी है सीपी की। सीपी क्या होता है हमारा अपने आप में 100%। तो ध्यान से एक बार कट कर लेते हैं इस पूरी क्वेश्चन को। देखो 1% से 1% डाउन होगी, 1% से ये डाउन होगी, ठीक है। उसके बाद देखो 88 के कितने टेबल पे लिखा हुआ है, 8 2 16 होता है, और 8 2 16 होता है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ, 160 + 16 ही तो लिखा हुआ है। 88 क्या है, 80 + 8 है। अगर मैं इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 2 160 और 8 2 16, तो ये कंप्लीट 2 पेड कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 आ गया, आपने देखा 120 25 और 100 किससे कटेगा, 25 चौका 100 और 25 पंजे 100, ठीक है। तो ऊपर क्या बचाओ आपका, 400 बचाओ। यहाँ से आप 5 से इसको काटोगे तो 5 2 10 20, तो पूरी क्वेश्चन क्या बनी, 4 2 8 2 16, तो आपका 160 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये तो हुआ एक लाइन में इस पूरे क्वेश्चन को करना, ठीक है। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा तो आप इसको बेसिक से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं करके दिखा देता हूँ। इसमें देखो, अगर आप एमपी 100% मानते हो, अगर एमपी अगर 100% है, अगर डिस्काउंट आप 12% दोगे, तो आप बोलोगे एसपी आपका कितना हुआ, आप बोलोगे 88%, जिसकी वैल्यू कितनी है 176। तो यहाँ से एमपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एमपी क्या आपका 100%, तो ये कितना है इसका, दुगना है, ट्वाइस है। तो आप बोलोगे एमपी कितना आ गया आपका, 200। अब ये कहती है कि मैं कोई भी डिस्काउंट नहीं दूंगी, ठीक है। अगर डिस्काउंट नहीं है, 0 डिस्काउंट है, तो आपका इसका जो नया एसपी है, तो ये आपका नया एसपी यही हो जाएगा 200 रुपीज़, ठीक है। प्रॉफिट आपका कितना है, आप बोलोगे 25%, ठीक है। तो आपका एसपी क्या होता है, आप बोलोगे अगर सीपी मेरा 100% है, तो आप एसपी कितना हो जाएगा, 125%। अब 125% की वैल्यू 200 रुपीज़ है, तो आपको 100% की वैल्यू बतानी है। अगर आपकी 125% अगर 200 के बराबर है, तो 100% कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 160 के बराबर। कट करके देख लो, 25 5 जा और 25 8 जा, तो 5 की वैल्यू 8 है, तो 100 की कितना है ये, 20 टाइम्स है इसका, ठीक है। और यहाँ भी 20 टाइम्स कर दोगे तो 8 2 16, तो 160 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप सोच सकते हो। मेरे पास एलजेब्रा से x-1 11 दे रखा है, और x³ - y³ का लास्ट सेशन में x³ + y³ क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो x³ - y³ + x²y², आप बोलोगे x³ - y³ क्या होगा, x-y³ माइनस है तो +3xy, अंदर x-y, साथ में क्या है, x² है। तो मेरे को xy की वैल्यू चाहिए, क्योंकि x-y तो हमारे पास 11 गिवन ही है, तो यहाँ से हमारी xy की वैल्यू आ जाएगी। तो आप बोलोगे y ऊपर जाएगा और x ऊपर आएगा, तो y-x/xy हमारा 11/24, हमारे पास x-y 11, तो y-x कितना हो जाएगा, आप बोलोगे -11/xy = 11/24। यहाँ से 11 से 11 कैंसिल आउट, xy कितना आया, आप बोलोगे -24। ये इसको पुट कर देते हैं, तो x-y कितना है, आप बोलोगे 11³ प्लस में 3xy कितना आया हमारा 24, माइनस का x-y कितना हमारा 11, साथ में xy² कितना, xy कितना आया हमारा -24². यहाँ से 11³ 1 3 3 1, साथ में 24³ कितना होता है 72। अगर आपको ऐसे नहीं पता तो आप ऐसे लिख दो, 20 + 4 × 3, ये कितना आ जाएगा 60 + 12, ठीक है 72 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 72 × 11, साथ में 24² 576, सभी को पता है, तो ये कितना आ जाएगा 1331। आपको पता है 11 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन आएगा, 11 का मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले 2 लिखो, उसके बाद इन दोनों का एडिशन 7 8 9, और उसके बाद फिर ये 792 + 576। आपने देखा 13 और 5 18 18 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 11, उसके बाद 31 और 76 70 और 30 ही कितने होते हैं 100 100 में से 90 जाएगा, तो आप बोलोगे 10, उसके बाद 6 और 1 7 6 और 1 7 7 में से 2 गया तो 5। ऐसे आपको इक्वेशन करनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ट्रेन है हमारे पास 240 मीटर लॉन्ग, और एक इंसान को वो क्रॉस कर रही है, जो उसकी जो स्पीड है 6 किलोमीटर। अगर आपकी ट्रेन क्रॉस कर रही है एक इंसान को, आपको पता है दो स्पीड आ गई क्वेश्चन में, दो स्पीड आ गई, एक ट्रेन की स्पीड होगी और एक इस मैन की स्पीड है, तो आपको पता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको पता है स्पीड क्या होता है हमारा,
डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, हमें ट्रेन की स्पीड नहीं पता तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है। ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी, मैंने मान लिया एस होगी, ठीक है, और इंसान की कितनी दी हुई है 6 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये भी मीटर में है और ये भी सेकंड में है। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद डिस्टेंस कितना हमारा 240 मीटर जो ट्रेन है वो कवर कर रही है। उसके बाद कितने टाइम लग रहा है, 9 सेकंड लग रहा है। मैंने मान ली कि जो हमारी स्पीड है वो ट्रेन की एस किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 5 से काट ले इसको, 5 4 जे 20, 5 8 जे 40 और 9 2 जे 18, तो कितना आएगा आपका एस? आप बोलोगे 48, 2 जे कितना होता है 96, 96 प्लस 6 कितना हो गया 102, ये आपका इतना किलोमीटर पर आवर ऐसा आ गया। हमें बताना कितने टाइम में ये पास कर देगी 372 मीटर लॉन्ग टनल को सेम स्पीड में। ठीक है, हमारे पास अब डिस्टेंस टोटल कितना होगा 372, 7 में प्लस कितना 240 की है, तो कितना आ जाएगा ये यहाँ से 6 और 1 और 2 6 1 2, और स्पीड कितनी है इसकी 102 किलोमीटर पर आवर। हमको टाइम बताएं तो आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम 612 पार करना है 102 में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, काट लो 102 का कितना गुना लिखा आपको पता है, 10 6 जा और 2 6 2 जा 12, तो ये 6 गुना लिखा है, तो ये पूरा कट हो जाएगा 6 पे। कितना आ जाएगा आपका 18 6 108 डिवाइड बाई 5, ये कितना हो जाएगा 21.6 सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखी है, इंक्रीज कर दी 3 टाइम्स, ब्रेड्थ को डिक्रीज कर दिया हाफ से, और रेशियो बतानी है एरिया, एरिया ए मान लिया और बाद में ए डैश लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगी। लेंथ को इसने बोला 3L कर दिया मैंने 3 टाइम्स कर दिया, और ब्रेड्थ को इसने हाफ कर दिया B/2 कर दिया, तो एल बी से एल बी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, 2/3 आ जाएगा आंसर, कुछ भी नहीं सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शॉपकीपर ने दो आर्टिकल सोल्व किए, सेम सेम एस पी है दोनों का। ठीक है, एक पे गेन किया 19%, एक पे लॉस हुआ उसको 11%, तो ओवरऑल लॉस और गेन परसेंट बताना है। जब भी आपको लॉस और गेन परसेंट बताए तो आपको फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। अगर आपसे यहाँ पे रियल वैल्यू पूछे, अगर रुपीज़ में वैल्यू पूछे, तो आपको रेशियो मेथड यूज़ करना है, जो आप बेसिक यूज़ करते हो ना, 100 से एक वैल्यू 129 119 होगी, और 100 से अगर 11 माइनस कम होगी तो ना 89 होगी, इसके बाद एस पी सेम कर लिए, यहाँ 89 से मल्टीप्लाई, यहाँ 119 से। लेकिन हमें जब पता है ओवरऑल लॉस और सिर्फ परसेंटेज बतानी है लॉस और गेन की, तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, 100 a + b + 2 ab / 2 200 a + b। ठीक है, ए और बी क्या हमारा लॉस और प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, 100 a कितना है 19, और लॉस अगर 11 तो -11, 2 19 मल्टीप्लाई बाय -11 / 200 + 19 - 11, नीचे कितना आ जाएगा 208, ऊपर कितना आ जाएगा 19 में से 11 जाएगा 8 800, साथ में माइनस का 19 2 38, 38 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी लास्ट क्वेश्चन में सिखाया, तो 8 और 8 3 11 ऊपर और साथ में फिर 4 418 आपका आ जाएगा। यहाँ से में से 418 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 382 डिवाइड बाई 208। आपने देखा पॉजिटिव है तो आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये दो लॉस के तो आंसर हो ही नहीं सकते, ये वाले ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, तो आपने देखा 382 है नीचे 208, 382 को मैं मान लेता हूँ 400 और इसको 208 को मान लेता हूँ 200, तो आपने देखा तो कितना आ रहा है 2% के आसपास आ रहा है। तो जब मैंने इस न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिया तो ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा आंसर कम ही होगा, तो 2% के आसपास होगी, ये 5% की बने जो पॉसिबल नहीं है, तो ये यही मेरा ऑप्शन बचा है जो मेरा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक एवरेज का क्वेश्चन है, अगर आपको बतानी है एवरेज तो मेरे को रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं। ठीक है, आपको मेरे कहा गर्ल्स 60% है तो बॉयज़ कितने हो गए 40% हो गए। अब आपको बताया बॉयज़ की 63% दी है एवरेज, गर्ल्स की 70 दी है। ठीक है, यहाँ मैंने गर्ल्स लिख ली, बॉयज़ लिख दी। ठीक है, यहाँ इससे पहले गर्ल्स बॉयज़ लिखा और बॉयज़ गर्ल्स लिख देगा, तो ध्यान रखा इस चीज़ का। तो गर्ल्स की एवरेज कितनी है हमारी, आप बोलोगे 70, बॉयज़ की कितनी है 63, मेरे को ओवरऑल बता दी, एलिगेशन लगा दूँ मैं इसमें। ठीक है, गर्ल्स की रेशियो कितनी है 60% और बॉयज़ की कितनी है, आप बोलोगे 40%, इसको माइन जब काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। तो आपको एलिगेशन सोल्व करना आता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7, ये रियल वैल्यू आपकी, और यहाँ कितनी है 5 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी, आप बोलोगे 7, तो आपने वो देखा कि 2 यूनिट की कितनी आ जाएगी 7/5 × 2 दैट इज़ 14/5। ठीक है, यहाँ 14/5 लिख दें, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 7/5 × 3 दैट इज़ 21/5, 21/5 कितना होता है
आप बोलोगे 21/5 4.2 होता है, ठीक है, तो 63 में 4.2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? आप बोलोगे 67.2। वैसे भी लास्ट यूनिट डिजिट अलग अलग है तो चेक कर सके, 63 में 4.2 ऐड करेंगे तो 67.2, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ट्रैंगल है ए बी सी, ठीक है, एक ट्रैंगल मैंने बना ली ए बी सी, उसमें डी और ई पॉइंट दिए हुए हैं, डी और ई पॉइंट ए बी और ए सी में दिए हुए हैं, एंगल ए डी ई, ए डी ई एंगल हमारा बी के बराबर, इस एंगल के बराबर, ओके। उसके बाद ए डी 7 दिया है, कोई नहीं, आसान सवाल बिल्कुल, बी डी 5 दिया और बी सी 9 दिया। आपको पता है जब दो एंगल इक्वल है, एक एंगल ए ये वाला, दोनों इस वाले ट्रैंगल की बात कर रहा हूँ मैं, और एक बड़ी वाली ट्रैंगल की बात कर रहा हूँ, इस पूरी बड़ी ट्रैंगल की, इस वाली छोटी ट्रैंगल और बड़ी ट्रैंगल में आपको पता है एक ए एंगल तो कॉमन है और ये वाला एंगल इसने क्वेश्चन में इक्वल कर दिया। जब दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप इसके एक बराबर होगा, तो ये वाली ट्रैंगल और ये वाली बड़ी ट्रैंगल दोनों सिमिलर होगी, तो ट्रैंगल लिख देता हूँ मैं ए डी ई, हमारी जो ट्रैंगल है वो सिमिलर होगी पूरी बड़ी ट्रैंगल ए बी सी के, ठीक है। तो इस छोटी वाली ट्रैंगल में 7 और बड़ी वाली ट्रैंगल में पूरा 7 और 5 12 किसके बराबर हो जाएगी? छोटी वाली ट्रैंगल में डी और बड़ी वाली ट्रैंगल में दैट इज 9, तो 3 3 9 और 3 4 12, तो डी हमारा कितना आ गया? आप बोलोगे 7 21/4, दैट इज कितना होता है 5.25, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18% किसी काम को, एमडीएच वाला क्वेश्चन है, 18% 8 आवर्स ए डे किसी 3 यूनिट काम को करते हैं, 3 यूनिट काम को कितने दिन में खत्म करते हैं? 10 डेज में। हमें बताना है कि 25 आदमी 5 यूनिट वर्क को कितने, 6 घंटे के हिसाब से कितने दिन लगाएंगे, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 5 जा, ठीक है, और 3 6 जा, और ये यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा, तो डे डी कितना आ गया, 8 2 जा 16, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एलजेब्रा से 4x² + y² हमको 48 दिया है, xy 2 दिया है और x + y 0 से बड़े है, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, और हमसे क्यूब का राइट क्यूब निकलवाना चाहते हैं। ये क्या है, 4x³ + y³, आपको फॉर्मूला पता है ना, a³ + b³ हमारा क्या होता है, a+b³ - 3ab, साथ में a+b, ठीक है। हमारा a क्या है यहाँ पे, 4x, और b क्या हमारा y, तो हमें पता है 4x³ + y³ क्या हमारे पास, 4x + y³ - 3 4x × y, साथ में 4x + y, हमें चाहिए 4x + y की वैल्यू, ये 4x + y, ये कहाँ से आएगा, इसमें से आएगा ये, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ी देर के लिए नीचे कर लेता हूँ, ये मैंने इसको उठा के यहाँ ले गया, ठीक है। हमको यहाँ देखा कि ये क्या लिखा है, a² + b² हमें, हमारे पास 2ab की कमी है, तो मैं इसमें 2ab जोड़ देता हूँ, x² + y² + 2, ए क्या हमारा 4x, बी क्या हमारा वाई, इसमें 48 + 2ab 2 4x और साथ में y, ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका 4x + y² ये क्या है 48 + 2 × 4xy कितना गिवन है? आप बोलोगे 2, तो 4 2 8 2 12, 48 + 12 कितना होता है? आप बोलोगे 64, तो 4x + y कितना आ गया? आप बोलोगे 8, ठीक है, यहाँ से 8 को इसमें पुट कर लेते हो, तो 8³ - 3 × 4 × ये कितना, एक्स वाई कितना हमारा 2, और 4x + y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 8, तो 8³ कितना 512, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 512 माइनस कितना है 4 2 12 और 8 2 16, 12 और 16 का कितना होता है आपको पता है 192 होता है। आप यही सोच रहे होगे 12 और 16 कैसे मैं इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कर दिया, आपको मैंने पिछली भी कोई सी भी वीडियो उठा के देख लो, RRB NTPC, और बार बार मैं एक चीज़ सिखा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा क्लीन करके लिख के फिर से बता देता हूँ, अगर आपको कहीं भी ये मिल जाए ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, 4 × कितना आया है 4 3 12 और 8 2 16, ये कितना है 14 - 2 और ये कितना है 14 + 2, ये क्या हुआ a - b a + b, तो 14² - 2² यही तो है a² - b² तो 14² कितना 196 - 4, यही तो मैंने लिखा 192 इतनी जल्दी। तो आपको सोच लेना है कि कोई ऐसी वैल्यू है तो नहीं बन रही 14 - 2 और 14 + 2। आप RRB NTPC और CGL की लास्ट शिफ्ट और शिफ्ट में हर क्वेश्चन देख लो, एक नए क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में ऐसा आता है जिसमें ये वाला पैटर्न दे रखा है, ठीक है। तो आपने देखा 512 में से 192 घटाना है तो कितना बचेगा, 500 में से 100 जाएगा तो 400, लेकिन 12 में से 192 नहीं जा सकता, तो इसका मतलब कैरी लेगा, 112 में से 92 जाएगा तो कितना बचेगा 20, तो 320 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास एक सर्कल दे रखा है वो सेंटर के साथ, और इसने बोला AD एक डायमीटर है, AD एक डायमीटर, ठीक है, AC एक कोर्ड है, ये मैंने कोर्ड बना लिया AC, पॉइंट बी AC पे ऐसा है, ये पॉइंट बी AC पे ऐसा है, सच दैट OB हमारा 7 है, ये 7 है, ठीक है, और एंगल OBA ये हमारा 60 डिग्री गिवन है, ठीक है,
उसने बोला डी ओ सी भी हमारा 60 डिग्री है, डी ओ सी ये मैंने बना लिया, ओ ओ ये ठीक है, ये भी 60 डिग्री है। इसने बोला लेंथ बतानी है बी सी की, तो ये हमारी लेंथ बतानी है, ठीक है। इतना समझ आ गया, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से देखना बिल्कुल एक एक स्टेप को, ठीक है। मैंने देखा कि हमको बी सी की लेंथ बतानी है, बी सी में ये साइड गिवन है, ठीक है। तो मैंने देखा इस ट्रैंगल के लिए अगर मैं बात करता हूँ, अगर ये देखो अगर एंगल सी ओ डी, अगर सी ओ डी एंगल सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है, एंगल सी ओ डी अगर 60 डिग्री बना रहा है तो सरकमफ्रेंस पे इसका आप बनाएगा। अगर यही वाली आर्क सरकमफ्रेंस पे देखे तो ये वाली आर्क ये बना रही एंगल सी ए डी, तो ये कितना होगा आप बोलोगे 30 डिग्री। आपको पता है ना सेंटर पे बना हुआ एंगल हमेशा डबल होता है सरकमफ्रेंस वाले एंगल से, ठीक है। तो अगर ये 30 डिग्री है और इस ट्रैंगल की बात कर रहा हूँ मैं, कौन से वाली ट्रैंगल की, इसकी कहाँ गया ये सवाल, ए ओ सी की ट्रैंगल की, ए ओ सी ट्रैंगल में अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री। आप बोलोगे कैसे, तो ए और ओ सी इस ट्रैंगल की बात कर रहे हैं ऐसे, ए ओ सी, ए ओ और ओ सी ये दोनों रेडियस है तो इनके आमने सामने का एंगल सेम, तो ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। अब आ जाओ इस छोटी वाली ट्रैंगल, छुटकू वाली ट्रैंगल में देखते हैं, ये वाली इस वाली ट्रैंगल में, ठीक है। इस वाली ट्रैंगल के लिए ये जो 60 डिग्री का जो एंगल गिवन है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ऐसे अगर मैं इस ट्रैंगल को बना दूं, ये ओ है हमारा, ये सी है, ये बी है और ये ए है, अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, तो ये भी 30 डिग्री। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इनके आमने सामने वाली साइड भी इक्वल होगी, तो इसके सामने क्या गिवन है, इस वाले के सामने क्या गिवन है, 7, तो ये बी सी कितना आ गया 7, यही हमें बताना था, ठीक है। एक मेथड तो ये है, अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दूसरा मेथड बताते हैं हम, ठीक है। एक बार मैं इसको रब कर लेता हूँ, एक सेकेंड वेट करो बस। मैं इसने बोला क्वेश्चन में एडी जो हमारा डायमीटर गिवन है, तो मैंने बना लिया एडी को डायमीटर, ठीक है, ओ पे। उसके बाद सेम फिगर बनानी है हमें, ए से सी कोड है हमारा, उसके बाद पॉइंट बी मैंने यहाँ बना लिया पॉइंट बी ये, उसके बाद एंगल सी ओ डी, ये इसने 60 डिग्री बनाया। अब ये देख लो ये वाला चीज़ और ये वाली चीज़, तो आपको पता है ये दोनों रेडियस है। अगर मैं ट्रैंगल इसकी बात कर लो, अब सेकेंड मेथड है ये सी ए डी ट्रैंगल की बात कर दी, ये वाली ट्रैंगल मैंने बना ली ऐसे, सी ए और ये डी यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, ये सी ए ओ की ये 60 डिग्री गिवन है और ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल तो ये इन दोनों का सम होगा, तो ये भी 30 आया और ये भी 30 आया, ठीक है। तो मैंने बोला ये भी 30 है और ये भी 30 है। अब सेम इस वाले ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल लगा लो, इस वाले ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल जब लगाओगे तो ये आपको पता है ये 60 डिग्री है, तो ये 60 कब आया, ये जब ये 30 है और ये भी 30 है, ठीक है। तो अब जब इस वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, ये 60 डिग्री है, यहाँ 7 है और यहाँ भी 7 ही होगा क्योंकि एंगल ये भी 30 आ गया और ये भी 30 आ गया, ठीक है। तो बी सी हमारा 7 होगा। अगर आपको समझ ना आए तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लें या फिर कमेंट कर दें, फिर मैं दोबारा समझा दूँगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्या है कि एक ए बी सी डी एक साइकिल कोऑर्डिनेटेड है, मेरे को एक सर्कल बनाना पड़ेगा, सर्कल बना लेते हैं, एक ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ए बी सी हमारा साइकिल कोऑर्डिनेटेड है। ड्राइंग पे मत जाए, ऐसी ड्राइंग बनती है, ठीक है। ए बी सी डी हमारा साइकिल कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है। डायगनल बी डी और ए सी हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ई पे। उसने बोला बी ई सी, बी ई सी ये वाला जो बड़ा एंगल है ये कितना है 138 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद इसने बोला ई सी डी, ई सी डी और ये छुटकू एंगल कितने का है, इसने बोला 35 डिग्री का। उसने बताना है हमें बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल हमें बताना है, ठीक है। हर एक चीज इसने दे रखी है तो कुछ ना कुछ उसका मतलब होगा। आपने देखा इस वाले ट्रायंगल में सिर्फ इसकी बात करो, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है 138, अगर मेरे को ये और ये एंगल पता चल जाए तो बात बन जाए 138 क्या है, कि इस वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ए ई बी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो इसमें क्या क्या एंगल है, एंगल बी और ए, एंगल बी और ए में से कुछ इन दोनों का सम 130 है, इनमें से कुछ भी पता चल जाए तो मेरी बात बन जाए, लेकिन बी उनको पता लग सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो आर्क है ए और डी आर्क जो भी है बी एंगल भी बना रही है और यही आर्क सेम 36 ये 35 जो एंगल गिवन है ये भी बना रही है, तो एक ही आर्क से बने हुए एंगल इक्वल होते हैं, तो हमें पता चल गया जो एंगल बी है ये हमारा 35 है, ए एंगल हमें बताना है, तो बी ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस एंगल ए ये 138 है, तो आप बोलोगे एंगल 138, बी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 138 में से हम 35 को डिडक्ट कर देंगे, 130 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 100 और 8 से पास गया 3, तो 103 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया गया, रेशियो दिया दो नंबरों की ए और बी की 5:8, और अगर 5:8 दोनों में कर दूं मैं ए और बी में तो फाइनल रेशियो बन रही है ये 5:2:3। ए और बी दो नंबर है, ठीक है, ये 5 है और ये 8 है, तो फाइनल रेशियो क्या है हमारी 2 और 3, और इसमें दोनों में ऐड क्या किया मैंने, इन दोनों में ऐड किया है सिर्फ 5। तो हम ऐसे सवालों में क्या देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। इसमें डिफरेंस कितने का 3 का, इसमें डिफरेंस कितने का 1 का, तो हम डिफरेंस इक्वल कर लेते हैं। इस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। बच्चे करते ऐसे ही, लेकिन उनको पता नहीं है ये करते क्यों है। अगर मान लो, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मान लो कि कोई नंबर है मेरे साथ 2 और 3, ठीक है, इन दोनों में मैं 5 5 ऐड कर दूँ, 5 इसमें ऐड कर दिया, 5 इसमें ऐड कर दिया, तो आप बोलोगे ये 7 बन गया, ये 8 बन गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना था 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना था 1। तो जब भी आपने सेम नंबर ऐड करोगे तो हमेशा डिफरेंस क्या होगा, इक्वल रहेगा, इसलिए हम इन दोनों का डिफरेंस इक्वल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, डिफरेंस इक्वल कर लिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इस चीज़ को 1 से करेंगे, इसको 1 से करना है और इसको 3 से करना है, तो 5:8 हमारी इनिशियल वैल्यू है, और फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी जब ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 और 3 3 9, ये हमारी फाइनल रेशियो होगी। इसमें बताया क्या है, और इसने यूनिट में हमारा यूनिट अब कितनी आई, 5 से 6 होगी, 8 से 1 9 होगी, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 5, इसने तो 5 ऐड किया ना दोनों में, तो एक की यूनिट 5 है, इसने बोला सम बताना है, और भी 8 और 5 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट का मतलब 5 है, तो 13 यूनिट कितना होगा 65 के बराबर हो गया, ठीक है। अगर आप ऐसे ना कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा बेसिक से चले जाए करो, बेसिक अगर आपका स्ट्रांग हुआ तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। सिंपल लिखना शुरू कर दो, 5x ये मेरा इनिशियल है, 8x, इन दोनों में 5 को ऐड कर दिया, और फाइनल वैल्यू मेरी कितनी आएगी 2/3। अब देखो 5 3 जा मल्टीप्लाई करूँगा, 5 3 जा 15 और 8 2 जा 16, 16x में से 15x जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 1x बचेगा, और 5 3 जा 15 में से 5 2 जा 10 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है, एक्स मेरा 5 आ गया। इसने पूछा सम ऑफ ए बी, ए बी क्या हमारा 5x और 8x, 8 और 5 13x, 13x, x कितना है मेरा 5, तो 65 यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, साइन 30 कितना था 1/2, साइन स्क्वेयर 60 कितना होता है रूट 3/4 का स्क्वेयर, तो आप लिख दोगे 3/4, ठीक है। उसके बाद 4 sin 90 कितना होता है 1, सेक्स स्क्वेयर 45 कितना होता है आपका √2 का स्क्वेयर, डिवाइड बाई 10 45 कितना होता है 1, माइनस कॉट स्क्वेयर 30 कितना होता है √3 का होल स्क्वेयर, यहाँ से क्या आ जाएगा 4 2 जाए 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 -4 -2 डिवाइड बाई 1 -3, ऊपर क्या है 4 और 2 6 में से 3 गया -3, नीचे कहते हैं -2, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा आपका 3/2 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी सिंपल ही वैल्यू पुट करनी है, तो फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4, 1060 कितना होता है √3 -3 cos² 60 1/2 का होल स्क्वायर, और sec² 30 कितना हो गया हमारा 2/√3 का होल स्क्वायर, डिवाइड बाई cos 45 तो 1 हो गया, sec² 60 कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर, और cos 90 तो हमारा 0 ही होता है, तो ऊपर से कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा कट के √3/2 माइनस, यहाँ देखो 1/4 है और ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कुछ ही 1 बच गया, नीचे 4 में से ये पॉजिटिव नेगेटिव माइनस हो गया, तो 3/4 बच गया। जब ये फ्रैक्शन ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगी 4/3 मल्टीप्लाई बाई √3/2 -1, अंदर मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 4 2 जा तो 2√3/3 -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा है ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपका नंबर सेकंड थर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आप ट्रेडिशनल मेथड से करते होगे, जैसे कि आपने इनकम मान लिया आपकी 100 है और आपकी सेविंग आपकी 25 है और एक्सपेंडिचर आपका 75। इसने बोला एक्सपेंडिचर 20% से इंक्रीज हो गया, तो इसका 75 का कितना हो गया 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो 1 बढ़ गई तो कितना हो 6/5 हो गया, 15 15 6 90 ये आ गया। उसके बाद इसने बोला कि इनकम है वो 29 बढ़ गई तो 129 होगी, तो 129 और 90 का गैप कितना हो गया, आप बोलोगे हमारा कितना गैप हो गया पूरा पूरा 39 का, ठीक है। तो सेविंग का इंक्रीज़ बताना, तो 25 से कोई चीज़ 39 होगी तो कितना आया ये 9 यहाँ से और 5 यहाँ से, 9 और 5 14, 14 का गैप कितने पे 25 पे मल्टीप्लाई परसेंटेज, तो सेविंग परसेंटेज कितनी बढ़ गई आपकी 25 चौका 14 चौक 56। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, ये थोड़ा सा लेंदी मेथड पड़ जाता है, आप ट्राई करो इस वाले सवाल को एलिगेशन से लगा दो, तो मैं आपको सिखा देता हूँ एलिगेशन कैसे लगाते हैं। अगर एक्सपेंडिचर यहाँ लिखना है, सेविंग यहाँ लिखनी है, उसके बाद इनकम, इनको आगे पीछे भी लिख सकते हो, ठीक है। और नीचे अगर आपका सेविंग 25% है, अगर आपकी सेविंग 25% है तो आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा, बोलो 75%, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 एकम 25 और 25 दिया 75, तो ये रेशियो आ गई। एक्सपेंडिचर अब हमारा कितना बढ़ रहा है, बोलोगे 20% से हमारा इंक्रीज हो रहा है,
और इनकम कितनी हो रही है, 29% से इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, और 29 में से 20 जाएगा तो ये कितना बचा, 9। तो एक यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू आप कितने बोलोगे, मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई बाय 9, तो 27, तो 27 और 29 ऐड कर दोगे तो ये सेविंग आ जाएगी, दैट इज़ 56% का इंक्रीज़ हुआ सेविंग में भी, ठीक है। ऐसे ये वाला तरीका यूज़ करना है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्स माइनस 1/x अगर हमारा 5 दे रखा है और ये पूछा आपको, क्लियर दिख रहा है, एक्स क्यूब से अगर हम डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन का, ऊपर क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1/x³, एक्स क्यूब माइनस 5, नीचे एक्स क्यूब माइनस 1/x³ प्लस का 7। आपको पता अगर ये है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ डायरेक्ट ही याद है, जो बच्चे अच्छे में इसकी तैयारी करें तो 140 होता है। अगर आपको ऐसे नहीं पता तो आप लिख सकते हो 5³ माइनस 3/5, तो 5 125 में से 15 ऐड कर दोगे माइनस का, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 140 आ जाएगा। तो ऊपर क्या है, 140 माइनस 5, 140 प्लस 7, ऊपर कितना है, 135 बाय कितना है, 147। ये 3 से काट लेते हैं इसको, 4 5 7 12, 3 और 3 से कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 4 12 और 3 5 45/49, ये आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है कि जब भी ऐसा आ जाए 3, 7 और 11 की हर शिफ्ट में आया हुआ है ये SSC CGL के ऑलमोस्ट, तो आपको पता है 7 और 11 का, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वीडियो में जाके देखे, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो मैंने बोला कि 3, 7 और 11 का ऐसा नंबर है ये जो इन सब्जी से डिविजिबल है, तो मैं 3, 7, 11 की बजाय सबसे पहले 77 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ, 3 की बाद में कर लूँगा। तो मैंने देखा कि जब भी हम 77 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 3 3 का पेयर बनाते हैं, 7XY में से अगर मैं 24 डिडक्ट कर दूँ, अगर यहाँ अगर 700 भी होता तो यहाँ 700 में से 24 जाएगा तो या तो 6 आएगा, या फिर अगर यहाँ 790 होता, 790 में से 24 माइनस होता तो या तो 7 की टर्म आएगी या कुछ आएगी, उसके बाद दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो मेरे को ये नियरेस्ट पहुँचाना 77 का ऐसा मल्टीपल हो जो ये 6 से हो या 7 से हो। तो आपको पता है 77 8 का मल्टीपल कितना होता है, 616, और 77 निम्न कितना होता है, आप बोलोगे 693, और 77 10 कितना होता है, आप बोलोगे 770। तो मेरे पास कई ऑप्शन है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है ये हो सकता है, तो वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं। अगर मान लो सबसे पहले मैंने उठा लिया इसको 770 को, अगर मेरा 770 यहाँ हो जाता, अगर 707XY में से 24 डिडक्ट करके अगर आपसे 770 आया, तो 770 में 24 ऐड कर दूंगा तो 7XY की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से कितनी आई, तो 794, 7 8 9 94 आया। तो हमारा जो जो 5 GDs का नंबर है वो बन क्या गया, 2 4 7 और उसके बाद 9 और 4। आप देख लो 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, 3 से डिवाइड हो रही है, देखो 4 और 10 ये कट रहा है, 9 भी कट रहा है, 7 4 11 ये नहीं कट रहा, इसका मतलब ये चीज़ नहीं ले सकते 770, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो एक इससे छोटा चेक करके देखते हैं, 693 को चेक करके देखते हैं, तो इसको मैं रब कर देता हूँ एक बार, 770 आपको समझ आएगा ना क्यों नहीं हमने लिया। तो 693 अगर 7XY में से 24 माइनस करने पे 693 आएगा, तो इसमें 24 ऐड कर दूंगा तो ये 7XY की वैल्यू आ जाएगी, 693 में मैंने 24 ऐड किया तो 4 3 7 8 9 2 11 1 717 आया। तो अब मेरी जो 5 डिजिट नंबर क्या बना, 247 उसके बाद 17, ये देख लो 3 से डिविजिबल है, ये 4 और 2 6 7 और 8 7 15 ये डिविजिबल है। यहाँ से हमारा एक्स तो आ गया 1 और वाई आ गया 7, तो इसको हम ऊपर पुट कर लेते हैं, तो 2y, y कितना हमारा 7, 8 कितना 1, 14 में से 8 गए तो आंसर कितना आ गया 6, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पहले 2 साल के लिए तो 8% पे है, अगले 4 साल के लिए 10 पे है, और 6 साल होने के बाद 12% पे देने लग जाता है, ठीक है। तो इसने बताना 9 साल बाद, पहले आप धीरे धीरे को 2 साल के लिए तो 8% पे दे रखा है, उसके बाद 4 साल के लिए 10% पे दिया इसने, उसके बाद इसने क्या किया कि 4 और 2 6 6 साल हो गए, उसके बाद 9 साल तक आपको लेके जाना, तो बचे कितने आपके 3 साल बचे, उस पर 12% पे दे रहा है, और ये सब हो गया, इसका SI कितना आया, ये वाली वैल्यू भयंकर सी वैल्यू दे रखी इसने, 183.58.60, ठीक है। उसके बाद ये ऐड करो कितना आएगा, 16% प्लस 40 प्लस 36%, ये इसके बराबर 183.58.60, कितना आ गया आपका, 4 और 3 7 8 और 92% आ गया, 92% की वैल्यू 183.58.60 है। मेरे को बताना कितना इन्वेस्ट किया था उसने, मतलब प्रिंसिपल बताना, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलोगे 183.58.60 डिवाइड बाई 92 × 10 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने देखा कि ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, अगर आपने देखा जी ये 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो अभी मेरा क्या बच जाएगा,
आपने देखा एक जीरो बच रही है, तो टू के इसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरी एक जीरो आ जाए? तो आप बोलोगे यूनिट डिजिट फाइव, पाँच से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, 5 2 10 तो मेरा आ सकता है, तो यूनिट डिजिट तो मेरी होगी 5। तो मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, या तो ये या ये, तो मेरे को अभी भी पूरा कैलकुलेट नहीं करना। ये देखो 92 का कितना गुना दे रखा है, या तो 2 गुना होगा या 1 गुना, यूनिट डिजिट से कहीं तो कन्फर्म होगा, ये वाला तो है नहीं, या तो ये या तो 5 ही आएगा, जब भी तो 0 बनेगी ऊपर, ठीक है। तो 92 का अगर मैं 1 गुना कर दूं या 2 गुना करूं, ये तो पता लग रहा है। अगर 92 का मैंने 2 टाइम्स कर दिया तो ये कितना है, 180, और 2 2 4 तो 184 है, लेकिन यहाँ तो 180 थे, इसका मतलब लेस है, तो सिर्फ 92 के 1 पे जाएगा ये, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हमारे डीआई के, इसमें दे रखा नंबर ऑफ मेल और फीमेल मेंबर दे रखे, ठीक है। हमें बता रहा है रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ फीमेल इन ऑल 5 ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरेज ऑफ मेल। तो यहाँ फीमेल और मेल और एवरेज बतानी, पाँच पाँच, तो दोनों में पाँच पाँच है, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज हमारा क्या होता है, SN/N। एन हमारा दोनों में कॉमन है, तो एन लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों ही पाँच पाँच है तो कट ही जाएगी अगर रेशियो बनाएंगे, तो सिर्फ SN बताना हमें, मेल और फीमेल की सम बताना। तो मेल देखते हैं, मेल और फीमेल कितने हैं, फीमेल हमारी ग्रीन वाली है, तो देखो 300 + 275, 3 2 5, 6 7 8 9 और 10, 1000 तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये देखो 75, और उसके बाद 2500, उसके बाद 100 और 50, 1150 हो गया, ठीक है। ये तो हमारी फीमेल होगी। उसके बाद मेल कितने हैं, मैं मेल हमारी है, ये है 2 2 4 3 7 8 9 10 11 11, तो ये हो गया 1100, साथ में और कितना बचा, 50 यहाँ पे बचा, 25 75, 2500, 100 होने के बाद 75 और 150, 225, तो 1225 हमारा ये बच गया। मैंने देखा 115 आते हैं, 115 किसके टेबल में आता है, आप बोलोगे 23 के टेबल में, 23 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 23 दूनी 46 होता है। अगर वैसे भी आपको काटना है तो ये देखो यूनिट डिजिट आप पे कमांड होनी चाहिए, आप ये देखा 0 और 5 है, आपको पता है 0 और 5 होगा तो 5 का मल्टीपल तो होगा ही वो। और एक चीज़ और नोटिस करो, 25 का मल्टीपल क्या कहता है, 25 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, कि लास्ट के 2 डिजिट हमारी 25 से डिवाइड होनी चाहिए। मैंने देखा है 50 भी कट रहा है और ये 25 भी कट रहा है, तो मैं इसको 25 से काट लूँगा, तो 25 25 चौका 100 और 25 छिका 150, ये लिखा है, और 25 चौका 100 और 225 कितना, 25 निम्मे, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दे रखे जितने उन्होंने एनरोल किया और इतने पास हुए, तो यहाँ 7500 की वैल्यू है और यहाँ 4000 में से वैल्यू है, तो हमने बताना है कि क्या ओ आर एस टोटल नंबर एनरोल्ड कैंडिडेट्स और पास्ट, या एनरोल्ड और यहाँ पास्ट, ठीक है, और क्या ओ आर एस, क्यू आर एस, ठीक है। तो ये कितना होगा, 30 40 50 और ये 60, 60% हो गया कितने का, 7500 का, और हमें रेशियो बतानी है उसकी, किस किस क्यू आर और एस कितना हो गया, 2 2 4 5 50 हो गया, उसके बाद 4 और 4 8 8 16, 66, 66 कितने पे, 4000 पे, 66% ऑफ 4, यहाँ 66 देखते ही मेरे को पता चल गया यहाँ 11 का आंसर आएगा, मल्टीपल ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही है। अगर आपको वैसे भी कैलकुलेशन करनी है फिर भी करके देख लो, 60 × 75, परसेंटेज से 00 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ भी परसेंटेज से 00 कैंसिल, नीचे 66/40, तो 1 0 से 0 कैंसिल, 6 11 जा, यही वही बच गया 75/44, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीआई में क्या बोल रहा है कि हमें एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल फ्लेवर बतानी है 2012 में, जितने फ्लेवर, फ्लेवर ए बी सी है, 3 फ्लेवर की बने, ठीक है, और 2012 में तीनों फ्लेवर कितने, 50 50 100 और ये वाले 50 50 100 और 65 165, 165 देखते ही आपको समझ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चौथा शायद उसमें भी है, मैंने आपको जब दिखाया था तो क्या था वहाँ पे, 176, जब बीच में इन दोनों का सम लिखा हो तो 11 का हो सकता है, तो मैंने सोचा कि ये 11 का तो आंसर होगा ही, लेकिन ये 3 से भी कट रहा है तो 3 का भी हो सकता है, 15 से भी कट रहा है, ये कितना लिखा हुआ है, 150 + 15 ही तो लिखा हुआ है, तो ये 15 से भी जाएगा, ठीक है, 15 11 165, तो ये 15 से भी, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा आगे सवाल क्या कह रहा है, तो मेरे को पता चल गया पहला, तो पहली टर्म तो मेरी 165 ही होगी, ठीक है, 165। आगे क्या बोल रहा है कि हमें बताना है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर ए का 2012 13 14 में, और डिफरेंस बताना है 12 13 14 का ही, फ्लेवर सी का, फ्लेवर सी और फ्लेवर ए, एक सेकंड में यहाँ पे क्लियर कर लूँ, ठीक है। हमें बताना है फ्लेवर ए और सी का डिफरेंस 12 13 14 में, ये 12 है, इसमें कितना डिफरेंस है, ये आया 15 का, उसके बाद इसमें 45, उसमें 25 का डिफरेंस है, और इसमें कितने का डिफरेंस है, 5 का, तो 25 15 और 5 कितना आ गया, ये आपका आ गया 45, ठीक है, और एवरेज बोल रहा है इन सब का, तो 3 यहाँ रखें, और इसमें भी 3 फ्लेवर, तो 3 यहाँ आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो 165 यहाँ गया, ये 45 आ गया, तो 15 से काट ले इसको, 15 3 45, और 15 1 कम बताया था, और 15 11, तो आ गया ना वही सेम ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि
कि वेट दे रखा है और हमें बताना है कि एक्स रेशो वाई, एक्स क्या हमारा, एक्स बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनका वेट 50 से कम है। 50 से कम कितने स्टूडेंट्स हैं, 45, और ये 45 और 20 65, 65 किसके टेबल में आते हैं, 13 के में है, ऑप्शन 1 ही है 13, ठीक है, और ये भी है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, क्योंकि अब देखो वाई क्या दे रखा है, वाई बोला इसने जिसका वेट ग्रेटर हो या ज़्यादा हो 60 से, 60 की वैल्यू है, 60 60 हो या 60 से ज़्यादा हो, 40 और 5 45, तो दोनों को 5 से काट लेते हैं, 13 5 65 और 9 5 45, 13:9, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए, इसे सोल्ड PDF चाहिए, तो आपको पता ही है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, तो टेलीग्राम ग्रुप का ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन।